आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आज आप सभी को पितर दोष के विषय में एक अद्भुत जानकारी देता हूँ। सबसे पहले ये बताते हैं कि देखिए, पितर दोष ये नहीं होता है कि आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी या ताऊ जी नाराज हैं। ये सब बकवास है। आपका जन्म नहीं हुआ उससे पहले अगर आपके दादाजी गुजर गए और को पंडित जी पत्रिका अध्ययन करके कहते हैं कि आपके दादाजी नाराज हैं इसलिए पितर दोष है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके द्वारा किसी भी जन्म में कोई पाप कर्म किया जाता है उसके आधार पे जन्म पत्रिका में पितर दोष का निर्माण होता है। अब आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि कौन सी ग्रह की वजह से कहाँ बैठने से ये पितर दोष का निर्माण होता है। देखिए, किसी की भी पत्रिका में अगर सेकंड भाव में या पंचम भाव में या सेवंथ हाउस में अगर बुध राहु शुक्र बैठे हैं, बुध राहु शुक्र, तो पितर दोष का निर्माण होता है। ये पितर दोष का निर्माण कैसे होता है? अगर गुरु के साथ राहु बैठा है सिक्स हाउस में या एट हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में, तो मान के चलिएगा किसी ना किसी जन्म में आपने किसी धर्म स्थल का नुकसान पहुंचाया है, या किसी कथावाचक का, या किसी संत महात्मा का, या किसी टीचर अध्यापक का आपने अपमान किया, जिससे ये आपका पितरदोष निर्माण हुआ है। अगर शुक्र के साथ राहु बैठा है तो आपने किसी विधवा या किसी बड़ी उम्र की लेडीज का अपमान किया या उसका गलत यूज किया, जिससे वो पितरदोष का निर्माण आपका उत्पन्न हुआ। अब सबसे खराब पितरदोष किसे कहते हैं? अगर किसी जातक की पत्रिका में छठे भाव में, आठवें भाव में या बारहवें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो ये आपके जीवन का सबसे कठिन पितर दोष निर्माण हुआ। देखिए, पितर दोष का मेन अर्थ और बताते हैं घरेलू स्थितियों को ध्यान में रखते हुए। अगर घर में किसी बिना वजह के भी झगड़ा होता है रोज, या बच्चों की मांगलिक कार्य में बाधा आ रही है, या आप बहुत काफ़ी समय से मकान खरीदना चाह रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही हैं, तो मान के चलिएगा कि आपकी पत्रिका में पितर दोष का निर्माण है। अब कैसे और कहां से ये देख करके इस बात का पता लगाया जाए कि भाई इसका सरल उपाय क्या है? देखिए, गायत्री पित्री का जाप अमावस के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके करें, एक लोटा जल चढ़ा करके। ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपके पितरों को शांति मिलती है। और अगर आप सामर्थ हैं, आपको भगवान ने काबिल बनाया है, तो एक गाय बछड़ा अमावस के दिन किसी गौशाला में दान करें। और गरीब लोगों के लिए क्या उपाय होना चाहिए, जो निर्धन असहाय लोग हैं, वो प्रत्येक अमावस और पूर्णिमा और एकादशी के दिन और चतुर्थी के दिन महीने में चार तिथियों में वो पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और बड़ी श्रद्धा पूर्वक एक लोटा पानी वहाँ चढ़ाएं और एक दीपक जलाएं और दोनों हाथ अपने ऊपर खड़े करके भगवान विष्णु भगवान का ध्यान लगा के अपने सभी पिछले जन्मों के और इस जन्म के पाप कर्मों की माफ़ी मांगें। भगवान से प्रार्थना करें, जाने अनजाने में हमसे किसी भी जन्म में कोई अपराध हो गया हो, हे नारायण, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे पाप कर्मों को माफ़ करें। देखिएगा, दो से चार छः महीने के अंदर अंदर आप हर तिथि पे जाएं, इन चार तिथि का हमने बताया है, आप जाइए, कुछ समय बाद आपके घर में शांति होने लगेंगी और मांगलिक कार्यों में जो अड़चने आ रही थी वो अड़चने हट करके मांगलिक कार्य होने लगेंगे। आप ऐसा करें, निश्चित फायदा होगा। आशा है आपको विषय समझ में आया होगा। नमस्कार।